समझ नहीं आता है कि अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुगर फ्री बर्फ़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि दिवाली का सीज़न है और सभी का दिल करता है मीठा खाने के लिए, लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो मीठा नहीं खा सकते, तो उन्हें आप दिल मारने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनके लिए लेकर आई हूँ बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्थी गेहूँ की आटे की बर्फी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुगर फ्री बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मखानों का यूज़ किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मखानों में कैल्शियम होता है, तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। बर्फी को बनाने के लिए मैंने मीठे में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी किशमिश ली है और थोड़े हमने खजूर, साथ ही मैंने यहाँ पर एक नारियल का भी यूज़ किया है। शुगर फ्री बर्फी बनाने के लिए मेन इन्ग्रीडियंट्स है हमारा गेहूँ का आटा। ये हमारा वही सिंपल आटा है जिससे हम गेहूँ की रोटियाँ बनाती हैं। ये लगभग मैंने 2 कप। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ एक पैन में मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकती हैं, लेकिन हम शुगर फ्री बर्फी बना रहे हैं और डायबिटीज़ वालों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ देसी घी बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून देसी घी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे मखाना और इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ ऐसे हल्के हाथ से चलाते हुए हम मखानों को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मखाने अच्छी तरीके से भून चुके हैं, इसे हम निकालेंगे। सेम पैन में हम यहाँ थोड़ा सा देसी घी और डालेंगे और तभी हम इसमें डाल देंगे आटा। फ्रेंड्स, आटा डालते वक्त हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो गैस का फ्लेम है वो हाई नहीं होना चाहिए, हमें इसे लो फ्लेम पर ही भुनना है जब तक इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। और इसमें अच्छे से इस बात का भी ध्यान रखना हमें कि ये जले नहीं, तो इसलिए हमें फ्लेम लो ही रखना है। इसे भुनने के लिए मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे, हमें बस इसका कलर चेंज चाहिए। लगातार चलाते हुए मुझे इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा लगभग हल्का हल्का भुन चुका है और इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। जैसा आटा हमें चाहिए था, हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम पैन में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लिया है। इलायची यहाँ अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है तभी हम इसमें डाल देंगे कुछ गुलाब की पत्तियाँ और इसे हम अच्छे से ऐसे चला, इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर और इन चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि इसमें जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो अपना कलर न छोड़ दें। इसमें गुलाब की पंखुड़ियों का अच्छे से कलर आ चुका है। इसमें डालेंगे हमारे खजूर और किशमिश का जो हमने पेस्ट रेडी किया था, उसको भी हम इस पानी में डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चला लें। इन सभी चीज़ों को लगातार हमें 4 से 5 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो किशमिश और खजूर हैं उनका मीठापन इस पानी में आ जाए। लगातार 3 से 4 मिनट तक हम इसे ऐसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मखाने जो हमने भूनकर इसका चूरा बना लिया था, और इसे भी हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल, और नारियल डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से ऐसे 3 से 4 मिनट चला लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से चला लेंगे। ये मिल्क पाउडर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। हम डायबिटीज़ वालों के लिए बर्फ़ी बना रहे हैं, तो हम इसे अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा मीठा ना हो और हमें खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। अब यकीन मानिए, ये इतनी टेस्टी बनने वाली है कि आप जब इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि हमने आटे की बर्फ़ी बनाई है, और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त बर्फी। सभी चीज़ें यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसी स्टेज पर हम यहाँ डाल देंगे हमारा भुना आटा जो हमने भुनकर रेडी करके रखा था, और इसे अब हम लगातार ऐसे इसमें 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये हमारी जो बर्फी है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। लगातार हमें इसे ऐसे चलाते रहना है
थोड़ी सी हमें तो चलाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मनिया जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये हमने सिंपल गेहूँ के आटे से बर्फ़ी बनाई है। बर्फी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। हम एक थाली को अच्छे से देसी घी लगा कर इसको ग्रीस कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे बिखर गई है और ये एक डो की फॉर्म में आ चुकी है। अब ये हमारी रेडी है। हम थाली में इसे कर लेंगे ट्रांसफ़र और हाथों की हेल्प से या स्पून की हेल्प से हम इसे सेट कर लेंगे। इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डाली हूँ जो हमारे मेलन सीड्स होते हैं उनसे मैं इन्हें कर रही हूँ गार्निश। सिल्वर पेपर से इन्हें हल्का हल्का हम ऐसे टच करते हुए इसे भी हम कर लेंगे। इसे सिल्वर पेपर से भी हमने बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे अपने शेप के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। बर्फ़ी को अच्छी तरह सेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे फ्रिज में ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बर्फ़ी भी यहाँ अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे अपने शेप के अकॉर्डिंग काट लेंगे। मैंने बर्फ़ी को चोकर शेप में काट लिया है और ये तो यहाँ हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।